लड़की की लाश हाथ पर लिखा था मोहित। यह वारदात नई दिल्ली के न्यू अशोक थाना क्षेत्र अंतर्गत कोंडली के नहर किनारे बैंक में युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। मृतक के हाथ पर मोहित नाम का टैटू बना था। डीएसपी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि बीती रात राहगीर ने पुलिस कोंडली नहर किनारे पर एक लावारिस ट्रॉली बैग पड़ा होने की सूचना दी थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बैग खोलकर देखा तो बैग में तकरीबन 30 साल की युवती का शव पड़ा था। युवती के चेहरे पर ब्लेड से कई वार किए गए थे। बताया जा रहा है कि युवती के पास ऐसा कोई कुछ बरामद नहीं हो पाया जिसकी उसकी पहचान हो सके। पुलिस के मुताबिक युवती की हत्या कर उसकी लाश को ठिकाने लगाया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।